स्वामी ने मात्र जमीन बहन मदाहे आले अतहार मुसवेद गम बैरुल मथाब जनाब जवार हसनैन अबाद बलोच इन तो बात कारल कसैद बैरुल मथाब जनाब हाफिज नादर अबाद साहब आफ लिया खुशबूएन मरहूम हाफिज मोहम्मद अली सामतिया उन तो बात सैयद जाकरीन किबला सैयद शाबाद हैदर बुखारी साहब अलाहाबाद बाबा से बुलंद सलवात बाबा मलांगे मजलिस करवे ना पे जितना दे सकदे को दियो सारे को पता है बा कोई मसला नहीं बा मलांगे मोचे लेते मजलिस करवे ना पे ते को लंगर दियो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम اللهم كن وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته عنه وتمتعه فيها طويلا بسم الله الرحمن الرحيم يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكرب المؤمنين بے حق اخيك الحسين عليه السلام رب زدني علما بے حق ولایت امیر المؤمنين عليه السلام अल्लाह चौडन वास्ते ये मजलिस कबूल फरमा काफ़ी अजदार जिक्र दी खातिर टुर रहे हो ये जाकिर मौलवी तुहाडे वास्ते दुआ मंगदे तुहाडे ते हक के तुस आमीन सोहणी आखी करो कंजूसी न कीती करो आमीन च आमीन आखण नाल अल्लाह खुश थी के दुआ जल्दी कबूल करेंदे अल्लाह इन मोमिनीन दा टुर आया हुसैन दे सफरन दा सदका कबूल फरमा अल्लाह नज़दीक तू या दूर तू जितने अज़ादार टुरन मालिक बानियान ज़ाकिरीन समायत इन दे रिज़्क जान माल औलाद दी मुहाफ़ज़त और बरकत अता फरमा परदेस चिन रोज़ी दे वास्ते उन्दी मुहब्बत ते हुसैन नाल उतई बह के उस अखे नहीं हुसैन का जिक्र जरूरी है नामवर नहीं बेशक इलाके दे होवे हुसैन का जिक्र होवे साडे भाई हाजी हजूर बश्क की जिंदगी दराज फरमा मालिकों को नाल भिरावन दे खानदान दे वालदैन दे पूरी कौम बिरादरी दे हमेशा आबाद फरमा अल्लाह चौडन वास्ते ही अगर मजलिस कोई बीमार है मेरे जिम्मे मेरे भाइयों दुआ लइए मालिक उनको शिफाए कामला कुल याजला अता फरमा अल्लाह जेडे बे औलाद न औलाद अता फरमा मालिक दुनिया दे जिस कोने ते कोई मोमिन बेजुर्म कैद है सतवें बादशाह वास्ते मालिक उनको रिहाई अता फरमा आमीन हुन सारे आखो ते मेरे ले पास देखो मालिक चौडन वास्ते जेंदे सरयत है जै इमाम दे पिछू असा उठने जै बादशाह दी असा पहचान है जै इमाम दे असा शिया है मालिक चौडन वास्ते सड़े हकीकी वारिस दे ज़ुहूरे ताजीब फरमा गुनहगार अखा सिकदियन ज़ियारत नसीब फरमा मुतमैन बैठे हो हुसैन दा जिक्र सुन दे पे हो अल्लाह तुहाडे ते राज़ी होवे जिहड़ियां दुआवां मैं मंगियां इन्हां दी कबूलियत दा नाम है सलवात सारे बुलंद आवाज़ नाल पढ़ो अच्छा भाई जेडे थके बैठे हो न पढ़े बाकी सलवात उची आवाज न पढ़ो नारे तकबीर
इंज नहीं जिमें अल्लाह का नाम बुलंद है सारे उची आवाज नाल जवाब दो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत हत बुलंद करके नारे हैदरी खत्म कुरान का सवाब है फरमान मुस्तफा है नारे हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत अहले बैत दुश्मन ते लानत खानदान तत्हीर ते कैसी सलवात पढ़ो जिमें अल्लाह ने वाजिब की थी सलवात अल्लाहुमा सल्ले अला गुजारिश है साढ़े घर साढ़ा वतन इमाम हुसैन की इज्जत की कसम है साढ़े वतन अल इमाम हुसैन के चंगे सोने लग के पढ़ते हैं मालिक तुहाड़ी भी जिंदगी दराज फरमावे जड़े इज्जत देंदे हो तो मेरी आदत नहीं किसी मकाम ते वन के मैं बगैर दावती बना बगैर दावती बनने को जुर्म नहीं हुसैन दा जाकिर जो है इमाम हुसैन की मजलिस ते आंदे इंदे जुर्म नहीं लेकिन मौला ने इज्जत मकाम जो इतना अता कीते जो बगैर दावती बनने की हुण लोड़ ही कोई नहीं इमाम हुसैन ने मकाम ही इतना दिता इज्जत अता की ते तकरीबन मेरे ख्याल है साढ़े डा बजे अस आए हैं तो बाया के भी नहीं हाली साढ़े मेहमान पढ़ने तो बारह बजे साढ़े भाई पढ़ने उस तो बाद तुम पढ़ सो चलो मैं ठीक है वतन है घर है इतना कोई नहीं तकरीबन त्राए घंटे भी मेंबर से अस बैठे हैं साढ़े बाद साढ़े भाई हैं इज्जत अल मौला दे मदाहन मालिक इन्हों की जिंदगी दराज फरमावे हाफिज साहब इन्होंने सफर मालिक इबादत शुमार फरमावे इनकार कोई नहीं अगर थका हुआ ना बैठा हुआ तो मैं पढ़न देवा तवज्जो है मेरे पास मैं थोड़ा जहा पढ़ गया एक सलवात ऐसी पढ़ो जी मैं चौदह लय के सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला नहीं नहीं मैं चेहरे पढ़ खड़ा कई बंदे खामोश हैं एक बेदो डे दे बैठे सलवात पढ़न नाल गुनाह माफ होंगे सारे बुलंद आवाज नाल पढ़ो بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذین وراؤ قلوبنا بولا एक दफा फिर भी तकलीफ करो सलवात बुलंद आवाज में तवज्जो है मेरे पास दुआ है मालिक तुहानू सिवाय गम हुसैन तो बाकी हर दुख गम तू महफूज रखे अल्लाह तुहाडियां ने किरादे अपनी बारगाह च कबूल फरमा मेरा दिल है मौल साहब मैं आज दी मजलिस सरकार इमाम जमन बादशाह जिंदे पिछू अस उठने मैं इमाम जमाना बादशाह दे बाबे दे एक मजलिस पढ़ता तवज्जो है मेरे पास इमाम जमाना बादशाह दे बाबे दी मजलिस क्योंकि आज ना चार रबीउल अव्वल ते अज तो त्रै दिन बाद तेरे इस इमाम दी शहादत ते अठ रबीउल अव्वल तेरे इमाम जमाना बादशाह दे बाबे दी शहादत ते तवज्जो है ना हाथ खोल के मजलिस से बैठे करो नियाज़ हुसैन इमाम जमाना बादशाह दे बाबे दी शहादत अठ रबीउल अव्वल मेरा दिल है चलो इस दह पंद्रह मिनट च मैं मौला दे थोड़ा जहा फजाइल
उस तो बाद बिल्कुल थोड़ा दिया दुख अरमान पढ़ के मैं अपने इज्जत अल भरा को मिंबर पाक देव। एक ऐसी सलवात पढ़ो मैं को यकीन होवे जो तवज्जो नाल तो सा बैठे अल्लाहुम्मा सल्ले अला डा रबीउल सानी मदीना मोहम्मद सरकार अली नकी बादशाह दी हवेली बीबी अदीसा खातून दा हुजरा तवज्जो है। फजर दी नमाज दे ऐन वक्त इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम दा ज़ुहूर होया। चूंकि ये मजमून है नाज साहब इमाम हुसैन दे मदा बिल्कुल थोड़ा पढ़ते हैं ते अगर पढ़ते भी हैं तो साल के बाद ही पढ़ते हैं ठीक है ना। जेडे नवे होंगे ना वो थोड़ा पढ़ेंदे जेडे ज्यादा पढ़ेंदे मोमिन को पता होंगे जो इतना नारा मारना है इतना उठी के दाद देवनी है इतना जुमला मुक्सी ते नवा मजमून जेड़ा बंदा सुने उतना साहब जरे बंद चुप करके सुनते हैं भाई हूँ कितना मुकेंदे ते कितना नारा मारना है तवज्जो है ना भाई। नाले मैं मेरी गल याद रखे मेरे घर है मेरे वतन है खामोश थी कि अगर तुसा ये मजमून ए लफ्ज तुसा सुन सो मैं इवें समझे सा मेरे को दुआ पे मिलती है दिल नाल दुआ पे ठीक है ना भाई। डाह रबीउल सानी बादशाह दिया ये याद रखे मैं नहीं देखना केड़े बंदे बैठे कितों के आए तो कितों के नहीं भाई असा एक बाइक वाज साहब लगे पे हैं वो इंज पढ़ते जी वो इंज पढ़ते मोमिन आदन सी क्या पढ़ते जाकिर आदन सी क्या सुनते भाई अगर असा आपत की मुखालफत न करूँ हाँ तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं साढ़े ते वार अगर साढ़े चितनी मुहब्बत प्यार हो गए हाँ तो किसी दुश्मन की जरूरत नहीं साढ़े ते हमला करे अगर अस एक मुठ हो गए ठीक है भाई। अगर नाराज नहीं बैठे तो एक फरमान छेवें बादशाह का सुना तेरे छेवें मौला को एक बंदा आया उस आखे मौला वो मेरा हमसाय है ना मौला वो बड़ा गुस्ताख है मौला तुहाडे बारे बड़े बड़े एक लफ्ज आते बड़े बड़े जुमले आते मौला फरमेंदे गलत ओ नहीं गलत तू है आदे मौला मैं किवें गलत मैं तो तुहाकू आके दसे वो बंदा तुहाडा दुश्मन है मौला वो तुहाकू हक तो नहीं मनेंदा मौला फरमेंदे तेरे च ऐसा किरदार अमल तू ठीक होवे हा ओंदी जरूरत नहीं साढ़े बारे को साख लफ्ज आखे आपस देखो ना अगर मैं गलत हाँ अपनी सलाह करा दूसरे को ना खाए गलत फिर मुआशरा सीधा हो ए इमाम हुसैन बादशाह अस सारे को ठीक रखे इमाम हुसैन बादशाह दे सदकी अल्लाह अस सारे को मुहब्बत च रखे तवज्जो है भेजो सामरा दे हाकिम वक्त 10,000 दा लश्कर भेजे वंजो मदीने हसन अस्करी को मेरे कोल घिनो एडा हजार द लश्कर जड टुरे एडा हजार द लश्कर द जड़ा सलार है इंदा नाम है फत्ता बिन खाकान ये शी है मेरे मुर्शिद अली द ये रहंदा दुश्मन दी फौज ते मौला दे हुकुम दे नाल मौला फरमेंदन तू रहे उथई वन कम अली वाले दे तेरी डिप्टी नहीं होवे तेरी नौकरी थी होवे लेकिन तू काम सिर्फ साढ़े मनन वाले दे लेकिन मौला ने एक वजू भी दूजा सिखाया मैं दूसरा वजू तक करना लेकिन सुचें दे दिल च अल्लाह जाने मौला ने ये मेरे को तरीका क्यों सिखाया वजू लेकिन फिर आदे भी नहीं मौला जो सिखेंद है ये कोई मसलहत है ये कि थी मैं कोई सिखाव मौला का कम आवे सी तारीख लिख दिए एक निहार इकला है ते वजू बैठक करें दा ही अचानक पर्दे दे तलू डिठे भाई दो बंदे खड़े जेडे मेरे वजू को डे दे जासूस हैं एजेंट हैं हुकूमत तरफू वनो भाई ये फता ये साढ़े सामने वजू इवें करें दे या कल है इवें वजू करें दे थोड़ा थोड़ा इन्हें कुछ क्योंकि शक ही मत हो सकता है ये अली अला हो शिया हो अली दा तवज्जो है ना भाई ये जडा परदे च डिठे से ना जो दो बंदे खड़े हैं उन्हें दे नौकर हैं जासूस हैं फिर इन्हें जहन च इन्हें वापस आके दस है
हाकिम को वखे नहीं तद शक गलत है असा कल है वन के डठे वजू में करेंदा जे असा करेंदे है मको मौला दी कसम जदे को पता लगे ना जो यासू सन उठी खड़े उवेले मदीने वाले पासे मो कर क्या दे बतोल दा पुत्र तने वडे एहसान जो त सको ई तरीके नाल वजू सिखाए मेरी जिंदगी बच गई है तवज्जो है ना भाई फता बिन खाकान ए मौला दा शिए इकियादत करेंदे भाई 10,000 दा लश्कर घिन के जडे मदीने पहुंचे तडे इमाम ज़बान बादशाह दे बाबे को इत्तला दती जो तक सामरा दे बादशाह ने सडे पूरी तवज्जो वतन आले इमाम ज़माना बादशाह देखो ना इमाम दा एक लक्का बे चाचा अस्करी अस्करी दा माना बणदा बहुत बड़े लश्कर दा मालिक बहुत वड्डे लश्कर दा बहुत वड्डे लश्कर दा मालिक अस्करी दा मालिक जडे करीब आके तला दिती ने ओ टाइम है गर्मियां दा मौसम जडे घिनण है जडे गर्मियां दा मौसम है हक बणदा ही गर्मियां दे कपड़े होवन इवन अस लेकिन तडे बादशाह ने तडे इमाम ने इमाम हसन अस्करी ने गर्मियां दे कपड़े तन ते पाए हुए हैं जेड़े कपड़े चाहिए आंदे है वो गर्मियां दे नहीं वो सर्दियां दे सर्दियां दे कपड़े चा के नौकर दे हवाले कीते ते वो जेड़ी फौज खड़ी है ना 10,000 उन्हें ही को भाई को डिठे उन्हें गल कीती उन्हें के कोई ऐसी बोली कौम है शिया उस इमाम को इमाम मनी खड़े जेको सर्दी ते गर्मी दा पता ही कोई नहीं हे गर्मी कपड़े सर्दियां दे भई ये जुमला ए लफ्ज तने बादशाह इमाम दे कन्न तक पहुंचे परेशान तने बैठा बैठे इमाम दे कन्न तक के लफ्ज पहुंचे मौला फरमेंदे इस गल दा तनु पता बाद च लगसी जद ए लश्कर रवाना होया तारीख लिख दिए एक वादी च पहाड़ च ना की कीता कयाम भाई इडे पहाड़ आधे जगाई जिथे 10,000 लश्कर दुश्मन की फौज ने अपने खैमा लैन उतें खैमा लैन एक साइड ते तेरे इमाम ने अपने खैमा लैन उतें मौला फरमेंदन याद रखे अल्लाह दी पूरी कैनात कोई ऐसी जगह ना हो सी जिथे बंदे कब्र चो मैयत ना उठी सी जगह ते सोच के समय पहले तो हौले लेंदे हैं हूँ उच्चा लामण पै गए आखे पहले शक ही हूँ पक लग गए वाकई शिया भोली कौम है जैको पता ही कोई नहीं भी पहाड़ा च कबर पहाड़ा च बारोज मैयत बारोज कयामत मैयत उठी सन मैं को मौला दी कसम है इमाम फरमेंदन हूने पता लग वैसे इमाम ने नमाज पढ़ी नमाज पढ़न दे बाद जड़ा इमाम अपने खैमा च है इमाम अज आराम करेंदे पए हैं सजे पास एक काला बदल उठे जडा बदल उठे ना तवज्जो होवे ता ओ बदल उठे जडा बदल उठे ना मैं रिजल्ट देवना चांदा जो मौला ने सर्दी वाले कपड़े क्यों चाहे हैं इवन ना भाई बदल उठे काला तारीख लिख दिए जडा पहाड़ ते ओ बदल छा गया भाई तारीख लिख दिए उस वसना शुरू की तई बारिश दे कतरे घटन ते लेकिन बर्फ ज्यादा है निनाव जो सड़ेंदे हैं भाई बारिश ढेर बारिश के कतरे थोड़े बर्फ बारी ढेर भाई ये गर्मी सर्दी है तब्दील आई तारीख लिख दी है मौला की कसम है जब सर्दी उन्हें को लगन लगी तो ऊ वेले मौला अपने नौकर को भेजे वन ओ दुश्मन की फौज जिस हर बंदे को हूँ सर्दी लगन पै गई है वो को वंजा भोली कौम शिया दा इमाम पियाद है अगर तो को सर्दी लगे मैं इमाम सर्दी दे कपड़े अता कर छोड़ा बर्फबारी दी वजह नाल बंदे उथई दब के हज से मरन लगे ये मजमून है मेरे इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम बे जड़ा बंदे मरन लगे मौला फरमेंदे हुण पता लगे वे जो बारोज कयामत मैयत की में उठी सी कब्र ए मौला है ना भाई अल्लाह ने इमाम दी इज्जत बचाई है अल्लाह ने बादल भेजे अल्लाह ने बर्फबारी की मौला दी इज्जत बचाने खातिर तवज्जो हो भाई नेंद्र नहीं थोड़ा जा मेरे पास लिखा है भाई हूँ तारीख लिख दिए
इन्ना हाथ बनन मौला साकू बचा। और मैं इतना याद रहना मेरी कौम दे जितने जवान बुजुर्ग बैठे हो दुआ फरमाए मैं आदा हूँ हाकिम साम्राज्य की फौज ने नहीं तेरे मौला ने ये बच्चे हुए बंदे को इराक घेना है मौला आप उन्होंने घेना है ठीक है भाई जैसे घेना है तारीख लिख दी जेडे अल्लाह तो को घेन मंजे मौला की जियारत वास्ते मैं फजायल मुकेंदा पिया बस थोड़ा जहा मसाए पढ़ के मिंबर भाई के हवाले करें तारीख लिख दी है जब पहुंचन अपने घर के नाल महल के नाल आन के भेजन एक मिट्टी जमा करवाई मिट्टी जमा करवाई मिट्टी जमा इतनी करवाई है जो बहुत बड़ा टिब्बा बन गया वो टिब्बे ते रखवाई अस अपनी कुर्सी नाल त्रै चार कुर्सियां होर रखवाइया जिथा बिलवैन से अपने खुशामती वजीर ते मुशीर उथे ही बहजन कुर्सी ते बह के तारीख लिख दिए भई ई अपने त्रै लख फौज जमा की त्रै लख फौज जमा करके सामने खड़ाया सुना सके नहीं कट्ठे नहीं ए सफ बना के खड़ बनो ताकि इमाम हसन अस्करी को पता लगे मैं कितना वड्डा हाकिम हाँ मेरी कितनी वड्डी फौज है मैं को मौला दी कसम है जड़े सामने नाले इस वसीयत की थी वहाँ के जड़े वेले रसूल दा पुत्र आवे ना इंदी इज्जत वास्ते इंदी ताजीम वास्ते कोई बंदा खड़ा ना थी वे जड़ा खड़ा हो सी मैं उनको सजा देसा तारीख लिख दिए इमाम को बुलवायस इमाम जड़ा सामने आए भाई मौला जड़ा सामने आ खड़े तारीख लिख दिए कोई बंदा खड़ा नहीं थिया इमाम दी ताजीम वास्ते सब तो पहले आप खड़ा हो के मौला को कुर्सी अता की भाई इतनी वड़ी इज्जत है मेरे मौला दी ये जड़ा वड़ा मकाम है मौला जड़ा है सामने हैं तो कुर्सी पेश की थी बंदे सवाल तो किए उन्हें कहे तो तसा गुरु के नाम है आप कुर्सी क्यों अता की थी वहाँ कहते तो पता नहीं मैं डर को उठे हाँ वहाँ के जड़े वेले सामने आए ना मेरी कुर्सी दे तलों बहुत वड़ा नाम गाजदा हा कहीं नहीं दिठा सिर्फ मैं दिठे ए जड़ा मुंह खोल के सामने आए मैं को आखस अगर उठ दे ठीक ना तो ऐसी सजा दे सही जेती जिंदगी है कदा खड़ा ना हो सकसे मैं डर को उठिया ठीक है भाई ये इमाम को आखे ए सामने फौज दिठी है मौला फरमांदे रहंदा पिया वहां की कितनी वड़ी फौज है मौलो फरमेंदन बस इतनी फौज है कितनी ओजी वहाँ कहते त्रै लाख फौज है मेरी मौलो फरमेंदन बस त्रै लाख फौज वहाँ के हसन मैं को दसा तू त्रै लाख ते तेन तक ही नहीं पाती पी मौलो फरमेंदन अच्छा चलो तू आ दे मेरी वड्डी फौज है एक दफा अख बंद कर ई अख बंद की हूं वेले मौलो फरमेंदन हूँ अख खोल इस अख खोली मौलो फरमेंदन हूँ सजे पासे देख तारीख लिख दिए मौला फरमेंदन जेती दीद वनी देख तारीख लिख दिए डिठेस भाई जिन्नो इंस मौला दे सामने आ क्या देखन मौला हुकुम होवे ता साइंदे ते हमला कर दियो मौला फरमेंदन नु पीछा देख पीछा डिठेस ता फौज मौला फरमेंदन इडे देख इडे डिठेस ता फौज हुन मौला फरमेंदन जमीन ते नहीं जिवें तड़ियां लत्ता कंबदियां पईयां जिवें तड़ा जिस्म कंबदा पिया जिवें तेरा चेहरा मायूस है मौला फरमेंदन हूँ आसमान वाले पास देख जडा ई डिठे तारीख लिख दिए आखे मैं डिठे आसमान दे दरीचे खुले हुए अल्लाह दे मलाइके जिन्हां दे हत्थां च नंगियां तलवारां हैं नंगियां तलवारां को देख के इमाम दे कदम ते डिठे आदे मौला में कोई ना कुल बचा एडा वड्डा मौला करीम एडा लजपाल मौला जेडे अपने दुश्मन को माफ करेंदे हैं एडे लजपाल मौला बहु वड्डे दुख हैं तडे इमाम हसन अस्करी ते आठ रबीउल अव्वल कोई आम मखसूसी नहीं दो त्राए मखसूसी हैं पहली मखसूसी है जो रसूल दी धी दा घर जलाया गया अल्लाह तुहाडा भला करे पहले फजाए ले हुण दुख हैं देला खीता है करे मिन्नत नहीं मेरियां ते बाए के रोवण आले पहला दुख जो रसूल दी धी दा घर जलाया ने
मैं एक लफ्ज आखा अगर है कर सकते हो तो पहला जनाजा चाहे बीबी ने बाद बाबे दे अपने पुत्र मोहसिन दा अल्लाह तुहाडा भला करे जिंदगी दराज मिट्टियां ते बाय करो मना ले हुसैन दी कसम है मैं दूसरा डोखे है जो अली दी धी भिरा मरा के पौने दो साल दी कैद निभा के उत्थों वल लई है जिथों वलना ना इस इया वजह ना दुख क्यों है भाई मुसाफिर वतन ते वल दिन परदेसी वतन ते वल दिन कैदी वल दिन फिर दुख क्यों है पहला दुख है कैनात उजड़ वने आ बेबी शाम ना वने आ इया वजह मौला दी कसम है दुख ही है अरमान इस गल दे जड़ा वलिए ना भाई इतने दुख दिते मुसलमाना मेरी मुर्शिद जादी को जो सक्का भिरा मोहम्मद हनफिया मुर्शिद सज्जाद दा मुंडा हौले हौले हला किया दा खड़े तो ना लावे डसा इना च मेरी भेड़ ज़ैनब केड़ी है दुखां दे हवाले नाल पंज मासूमीन अलैहि सलाम दा वारिस है इमाम हसन अस्करी दुखां दे हवाले पहला वारिस है तेरे इमाम मूसा काज़िम अलैहि सलाम दुखां दे हवाले नाल तारीख लिख दी अच्छा भाई इमाम दी जिंदगी है ज़हरी जिंदगी 28 साल को बुढ़े होंदे ने 28 साल जवान है इवें ना लेकिन ज़हरी उनको ओ दीती ने जेड़ी ज़हर तेरे दूजे इमाम को दीती है जिस दा नाम है ज़हर हिलाहिल मिंबर दी कसम है इमाम हसन अलैहि सलाम से मिट्टियां ते बह के रोवणा ले उंदा जिगर ज़हर खा गई यकम रबीउल अव्वल को तेरे इस इमाम को ज़हर मिली है यकम रबीउल अव्वल तो घिन के 8 दी रात तक तेरा इमाम कहीं वेले सजो करवट बदले हा कहीं वेले दे करवट बदले हा इमाम मूसा काज़िम दे दुखां दे हवाले नाल भई ये क्यों वारिस ई वास्ते ए जेड़े कैद मिली है ना तेरे 7वें इमाम उलमा बैठे मेरे सामने पढ़े लिखे चेहरे हर दफा मजमून सुन दे इमाम 14 साल रको दी हालत गुजारे जो जिंदान इतनी तंग गई इवें ना सही 14 साल जितने दुख तेरे 7वें इमाम को मिले उतने दुख 3-4 महीने तेरे 7वें इमाम को नहीं इमाम हसन अस्कर को मिले ये पहला वारिस है इमाम हसन अस्करी मौला इमाम मूसा काज़िम दे दुखां दा हाफिज़ साहब दूजा वारिस तेरे मौला सज्जाद दा होनी 70 ते मैं देखना चाहता कितने बंदे जेडे आए रोवन होवन इमाम ज़माना दे बाबे को रोवन नहीं मौला को फुरसत न देवन दूजा वारिस से तेरे मौला सज्जाद दा एक ही में वारिस से दुखां दे हवाले नाल मैं को मौला दी कसम है जिवें करबला तू घिन के शाम तक ए शामी हरामी तेरे मौला दी कंड ते ताज़ियाने मरेंदे हैं ਇਵੇਂ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਇਵੇਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮਰਿੰਦੇ ਕਮਰ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਤੰਗ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਫਰਮਾਵੇ ਆ ਡਾਡਾ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਈ ਖਲੀਲ ਮੈਂ ਨਾ ਮੋਮਨ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਦਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਅਸਾਂ ਡਿੱਠੇ ਨੇ वस्ती दुनिया के बंदे बैठे हो कड़ा हाँ इो जी बंदा डिठे वे जड़ा मरीज अपने हाथ नाल अपनी कबर आप खटे बोलो भाई नहीं ना भाई कैसी गुरबत है तेरे इमाम जमाना दे बाबे ते मैं गुमावला दी कसम है इमाम अपने हाथ नाल कबर आप खटी है अपनी कहीं पूछे मौला क्या है इमाम फरमेंदन मेरी कबर मौला कड़ा कोई अपने हाथ नाले अपनी कबर खटेंदे इमाम रो के फरमेंदे मुसलमान ते इतबार ने इन्ना ता जनाजे ते लुट पा दे मणी है ये ओ मुसलमान हैं जिन्ना जनाजे ते फनाने कोई नहीं मेरा महदी छोटे इमाम अपने हाथ नाल कबर आ जेड़े दवार तो से गवाही दीवे अल्लाह तो को घेन मंजे मैं समायत मौला दी ज़ियारत करो जिथों हुण मौला दफन है ये कब्रिस्तान नहीं मौला दा घर है
जिथे मौला हुण दफन है चाचा, जिथे मौला दी कबर है, ये मौला दा घर रही हुजर है। मौला दी कसम, इमाम अपने हाथ नाल आप कबर खटी। अच्छा भी त्रीजा वारिस इमाम हसन दा दुखा दे हवाले नाल भी सारे आखो मौला ते को जाहिर मिली है जाहिर एलान, लेकिन मौला तेरे हाथ पैर जोड़ाना ले हां, मौला ते को कोई पानी के लेंदा हां, मौला ते को कोई सहारा देंदा हां। इमाम जमाना दा बाबा ओ गरीब है जड़ा जहर दिती ने दरवाजे ते फौज आ खड़ी है पहरे वास्ते, ई वास्ते जो कोई मिलन ना आवे, इमाम को कोई पानी ना पिलावे। इमाम कई वेले सजो करवट बदले आ, कई वेले खबू मिटिया ते बाए के रोमण आले। दो औलादा तारीख लिख दी है मेरे मौला, एक पुत्र एक दी, मिटिया ते बाए के रोमण आले। पुत्र दी उम्र है 5 साल तेरे इमाम जमाना बादशाह, 8 रबीउल अव्वल बस आखरी वैन 8 रबीउल अव्वल दी रात फौज एक बैकू इन आख है हुन दरवाजा छोड़ दियो, इस इमाम दे साह डसेंदन जो है मुक गए, इको जहर खा गई है। मिटियां ते बाए के रोमण आले जड़े वेले फौज हटी है ना ऊ वेले इमाम जमाना दी मां इंज बीबी पैर पास बैठी है। मौला तेरी जहर दे अरमान, मौला फरमेंदन मेरी खैर जल्दी कर लू जे हुजर च मेरा माह दी नमाज पी पढ़ दे। उनको साडा उनको आख बाबा लहजे का मेहमान है, सादा तो मोमिनीन जड़े वेले मेरी साइन टुरी ना इमाम मुसल्ले ते माँ सामने खड़ी, बेटा मुसल्ला छोड़ बाबा पी असर दे। हूँ इमाम आए, बाबा पानी देव, बेटा नहीं अरमान नहीं हो असा को जडे जहर दिती ने। अच्छा भी याद रखे ये सादात आपे नहीं टुरी दुनिया तो, इनको जहर न टो हुसैन की कसम, कोई ऐसी दुश्मनी रखी है मुसलमान अहल बैत ना, इनको शहीद किया इन बाबे का सर चायस तेरे बार हो इमाम, इमाम जमाना दे बाबे दे पुरसिन है कर 70 ते पहला वैण मोहर अला। इमाम फरमेंदन महदी जी बाबा बेटा मेरा जनाजा आप पढ़ावें, क्योंकि मासूम दा जनाजा मासूम पढ़ेंगे, बेटा मैं को गुस्सा आप देने, लेकिन बेटा वसीयत ही मेरे जनाजा पढ़ावण तो बाद तो गायब हो वे, इन मैं को जहर ही वास्ते दीती है, इन पहर ही वास्ते दीते सिर्फ ते को भिन्न वास्ते, तू परदे चला वे फिर मैं जाना मेरा अल्लाह जाने। ओ सादा तो मोमिनीन मेरा इमाम फरमेंदन बेटा जड़ा जहूर करे ना बेटा फिर तैं घिरणन बदले, इन बाबे दे कदमा ते हाथ रख के बाबा दुआ कर मेरा जहूर जल्दी हो गए। सब तो पहले मैं तेरा बदला घिनसा, आदे मेरा लाल मेरा बदला ना घिने, आदे बाबा केंदा घिना कर बला वैसा पुछा जो साडे अकबर कुबर छी क्यों मारी वे, आवाज आंदे नहीं बेटा कुबर दा नहीं घिनना, चलो कासिम दा घिनसा नहीं घिनना, आवाज आंदे डाडे हुसैन दा घिनसा, और कितने बंदे ने जिन्हां दी हाय ना निकल सी, नहीं बैठा उन्हां दा नहीं घिनना, चलो बाबा उंदा घिनसा जिंदे सर तो चादर लथी है, हाय कर सकदे हो ता कर छोड़े, आवाज आंदे नहीं बैठा उंदा नहीं घिनना, प्यो दे पासे हाथ बन्ने ने ओए जेंदी रैया तो जाए इमाम दे पिछो जुने, इमाम दा जुमला सुने आदे केंदा खिलना, उवेले पुत्र दे गल चबाई पाके रुखसार चुम के आदे बेटा जड़ा जहूर करें, डाडे अली दी तलवार चावे, डाडे हुसैन दी जुल जनाह ते सवार होवे, आवाजा दे बाबा किथा वन्ना सैयदा दे उंदी कबर ते वांजड़ी धुप ते सुती होई है, उंदी कबर ते वन्ने जेड़ी प्यू दे दरबार चो खाली वली मरहबा, जिंदगी दराज हो है, जिंदगी दराज हो है। मैं नौकर बिस्मिल्लाह कर, मैं नौकर सादा तो मोमिनी ना, मैं नौकर चाचा जी आवाज आंदे उंदी कबर ते वन्ने जेड़ी खाली वली आई, ओए जेड़े मातमी बैठे हो भाई खाली ने जुमले ते मैं देखना चांदा कितने
शियर मौला दे जिन्ना दी है न निकल सी बाबा कीवे बदला जिन्ना आदा बेटा मिलना तलावे डैडी दी कबर ते नाल अन खड़े वे ओख आख बैरा मैं कु दसा ओ कौन है जतन उतारिया न मारे आवाज दे ओ कौन है जतन हाथ जख्मी मरहबा अल्हम्दुलिल्लाह भला हो जिंदगी दराज हो गई मैं बिस्मिल्लाह कर मैं नौकर अल्लाह धियां दे पर दे करे मैं नौकर सादा तो मोमिनीन हुसैन दी कसम है तारीख लिख दिए मातमियो वसीता करें दी जावत तेरे यार वे इमाम दा रूप परवाल कर गिए गुसल मिलाए मातमियो कुरान दी कसम है जनाजा तैयार पिछो सफा बन गई है ना हुण जेड़े मातमी बैठे हो 5 साल दा तेरे इमामे जमाना इमाम दी पग बद के जेड़े वेले सामने आओ खड़े मातमियो पियो दा जनाजा पढ़ायास जनाजा पढ़ावण दे बाद हक बणदाई बाबे दे नाल बह वजया कुरान दी कसम है जनाजा पढ़ावण दे बाद या कफन च गरीब बोले आदे महदी परदा करवन फौज आ गई है सैयदा दे परदा करवन मैं राजी अल्लाह मातम कबूल फरमावे भाई बिस्मिल्लाह मैं नौकर सादा तो मोमिनिन मैं नौकर चाचा जी मैं नौकर सादा बिस्मिल्लाह कर मैं नौकर बड़े सोने बैठे रोंदे हो इमामे जमाना को पुरसा दे होंदे बाबे दी शहादत खड़ा पड़दा भाई खलील में को कुरान दी कसम है तारीख लिख दिए बाबे दा जनाजा इमाम पर्दा गए बे टुर गए ओए सिला के आले फौज चढ़ पिए हुन माफी दीवे जितने जवान मातमियो औखी जी सतर ते आ गया जड़ा फौज चढ़ पिए हुसैन दी कसम अज गरीब दा जनाजा घर चाहिए इस इलाके आले हो या फौज अंदर दाखिल थई सब तू पहले जेड़े मातमी बैठे हो फौज ये इना बीबी दे हाथ च रसिया पाई जड़ा रसिया पा के दरबार ले आन ओ वेले देखे आदे ने अस्करी दी जौज मरहबा मरहबा भलो होए सादा तू मोमिन मैं नौकर चाचा जी मैं नौकर हुसैन दी कसम थोड़ी देर देर दे बाद मिंबर छोड़न लगा थोड़ी देर दे बाद बीबी थक के बह गई है जड़ा बहन लगी है अल्लाह दी कसम है हरामिया दे जल्दी करो एक ताजियाने मारो ए दरबार क्यों बह गई है इस इलाके आले हो जड़ा हाथ हाथ ताजियाने लगे ना थोड़ी देर तो बाद मेरी सैन वापस वाली है सरदार दे जनाजे ते झड़ पई है आदि मौला उठी देख तेरी डाडी दरबार गई है मौला देख मैं भी दरबार गई है ओए सिला के आले हो जेड़े वेले जनाजा देवन लगे ना मैं अलमा दी कसम है दुखे वैणा ने अन किडो आवाज है मैं हुसैन किडो आवाज है मैं हसन थोड़ी देर दे बाद दो हाथ हैं जेड़े मर्द दे नहीं है मस्तूर दे ना आवाज दे आवर दे मैं जहरा जहरा दा नाम है उवेले आदल पी तू कीवे जनाजा चसे